Live 26 अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी रेडी क्या कुछ आज दिमाग में चल रहा है ड्रामेबाजी के सेट पे आए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं बोलते हैं ना कि बच्चों से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं होता और खासकर जब आज इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और जो भी इनकी मस्ती देखेंगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर जिस तरह पूरा हिंदुस्तान इनको टेलीविजन पे एंजॉय करता है आज वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट इट्स अ आई वुड से अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम पल्टन का हिस्सा हैं और लोगों को ट्रेलर्स पसंद आ रहे हैं सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं और आई थिंक जो हिंदुस्तान की जो कॉर्ड है इमोशनल जो अपने देश के लिए पेट्रियाटिक कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं छुई है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड देयर जी बहुत अच्छी बात है आई थिंक बॉर्डर एक ऐतिहासिक फिल्म है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं जब व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ डायरेक्टर लाइक जेपी दत्ता बट होपफुली कि हम भी जो बॉर्डर ने कमाल दिखाया हम लोग भी उसका कुछ परसेंट कर पाएँ सो आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस बट ओनर्स ही बता सकते हैं बट लाइक आई सेड इमोशंस अगर हमारी जुड़ी हुई हैं तो जिनका स्टूडियो है उनकी तो हमसे ज़्यादा इमोशंस होंगी सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच समझ के पूरी फैमिली ने डिसीजंस लिए होंगे बट लाइक आई सेड यू नो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमारी एक बड़ी हमें स्पेशल प्लेस रखी हुई हैं अच्छा यू नो बहुत अच्छी बात है इतने कमाल के एक्टर्स को लॉन्च किया था आई एम श्योर एज एन एक्टर आल्सो ही विल डू वंडर्स एंड ऑल द बेस्ट टू भट्टा फॉर दैट इसके अलावा रियो के बाद में देखा जाए तो एशियन गेम में पीवी सिंधु फाइनल में चली गई है फर्स्ट वुमेन है जो कि फाइनल में गई हुई है टेनिस की बात करें तो क्या कहना चाहिए आई थिंक सिंधु इज ऑलवेज मेकिंग अस प्राउड और हर जगह पे उन्होंने नाम कमाया है एंड आई एम ग्लैड कि वो जीतें और देश को गौरव जैसे हमेशा बढ़ाती हैं और बढ़ाती रहें थैंक यू सो मच अर्जुन सर क्या कुछ जहन में चल रहा है आप ड्रामेबाज के सेट पे क्या कुछ दिमाग में चल रहा है कितने एक्साइटेड हैं आज अरे मैंने बहुत कुछ सुना है इस शो के बारे में कि बच्चे हैं 5 साल के हैं आई थिंक सबसे बड़ा इज अबाउट 5.5 ईयर्स ओल्ड और वो चार पेज के डायलॉग याद करके आ जाते हैं स्टेज पर और परफॉर्म करते हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस वंडरफुल टैलेंट अच्छा हर्षवर्धन एंड आपकी मूवी का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है कितनी एक्साइटमेंट चल रही है और को-स्टार्स में सबसे ड्रामेबाज कौन है अगर हम बात करें तो सबसे ड्रामेबाज तो डेफिनेटली सोनू होंगे सोनू सर हाँ उनमें बहुत एनर्जी है वो कहीं भी चढ़ जाते हैं छलांग लगाते हैं फ्लाइट की तरह हैंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी आए हैं इस शो के लिए तो वो भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे हर्षवर्धन आप क्या कहेंगे कितनी एक्साइटमेंट है पल्टन के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम सब रियल ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं और फिक्शन नहीं है ये रियल है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है और बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ साथ में तो बहुत मुझे खुशी है बहुत सीखने को मिल रहा है सवाल मैंने शूट किया आर के स्टूडियोज में काफ़ी बार इट्स डेफिनेटली वेरी आइकॉनिक स्टूडियो तो आई डोंट नो ये सेल हो रहा है कि क्या हो रहा है आई डोंट नो हाउ दैट्स ट्रू और फॉल्स मगर इट बी आई डोंट नो आई थिंक इट्स अप टू द फैमिली तो लकली आप शॉट दें आई मीन मगर क्या है टाइम्स चेंज एवरीथिंग चेंजेस और यू नो देयर इट वाज एन आइकॉनिक स्टूडियो स्टिल इज एंड आई होप इट विल रिमेन आई थिंक हमारा पर्सनल भी कभी कुछ लॉस होता है घर में भी अगर कुछ कई बार आग लग जाती है कुछ होता है सो वी ऑल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा और आर के स्टूडियो तो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के उसमें कॉस्ट्यूम्स थे और सब कुछ था जो सब कुछ जल गए बट द डिसीजन दैट दे हैव टेकन आई थिंक इट्स वो लोग शायद प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सफ़ेद हाथी होता है जिसको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है
So I think in today's day and age, I think they don't want to have that responsibility. So it's, jaise sir bol rahe hain, family ka decision hai, so we have to respect that. So Arjun sir, iske alawa badminton se bhi achhi khabar aa rahi hai, PV Sindhu final mein chali gayi hai Indians mein. Ye bhi first time hua hai dekha jaye to Olympics ke baad mein. Kya kehna chahenge iske bare mein? I wish her all the best. I hope she wins the gold. और साथ ही साथ डायरेक्शन के साथ साथ आप एक्टिंग में भी नजर आने वाले, तो कितने एक्साइटेड हैं उनके लिए आप? मैं डायरेक्शन डायरेक्शन के साथ साथ आप एक्टिंग भी नजर आ रहे हैं। मैं डायरेक्शन कहाँ पर कर रहा हूँ? महेश, मैं सोचा मेरी बात कर रहा है कि मैं डायरेक्शन। अच्छा, महेश भट्ट एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो बहुत कमाल के एक्टर हैं। मेरे महेश जी तो बहुत कमाल के एक्टर हैं। आई एम श्योर ही विल डू वेरी वेल। सो लास्ट वीक कोई नर्वसमेंट भी है, प्रेशर भी है जी? हमेशा नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि जैसे कि हर्ष भी कह रहा था, ऐसी कहानी है जो अब तक हमारे लोगों तक नहीं आई। यू नो, ये एक कहाँ खो गई थी किसी को पता नहीं, क्यों छुपाई गई थी किसी को पता नहीं। तो मगर बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक फिल्म है जिसमें आई थिंक इंडियन आर्मी को एक बहुत बूस्ट मिलेगा, हम सारे इंडियंस को बहुत बूस्ट मिलेगा। और JP दत्ता सर आ रहे हैं आफ्टर 12 ईयर सबैटिकल अपनी वॉर ट्रिलॉजी कंप्लीट करने के लिए। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म, और ऐसी फिल्में करने को बहुत कम मिलता है। सो आई होप कि दर्शक भी जाके उसे उतना ही प्यार दे जितनी मेहनत और प्यार हमने दी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।